दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDI हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरटेल का नया लूट के बारे में, जिसमें हम लोग एयरटेल को नहीं बल्कि एयरटेल हम लोगों को चूना लगा रहा है। यहां पर एयरटेल की तरफ से लूटे जा रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपका पैसा बच सकता है। और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे ढंग से हम आपको समझा कर बताने वाले हैं। एयरटेल की तरफ से आप लोगों को पता होगा कि स्मार्ट रिचार्ज प्लान आते हैं, जहाँ पर आप अपने सिम कार्ड को जिंदा भी रख सकते हैं और इसमें कुछ टॉक टाइम मिलता है बात करने के लिए। इसके साथ ही आपको कुछ MB जो कि आप देख सकते हैं 49 वाला में 100 MB और 79 वाला में 200 MB आप लोगों को मिलता है, वही 128 वाला में कुछ नहीं मिलता। तो 49 रुपया के रिचार्ज करते हैं तो 38 रुपया 52 पैसा का टॉक टाइम मिलता है, 28 दिन की वैधता उपलब्ध रहती है और 100 MB का डेटा मिलता है। यहाँ पर जो है अचानक से 49 रुपया या फिर 79 रुपया के बारे में बात कर ले, ये जो प्लान है इस पर SMS आउट गोइंग बंद कर दिया गया, यानी कि आप जो है इस प्लान के साथ रिचार्ज करते हो तो आप SMS को सेंड नहीं कर पाओगे। जब अचानक से SMS सेंड बंद हो गया, लोगों ने रिचार्ज कर लिया, तो एयरटेल से बातचीत के बाद पता चला कि 49 रुपया और 79 रुपया ये जितने भी प्लान है जो कि आप देख सकते हैं, 79 रुपीज़ और 49 रुपया का जो प्लान है, इसके साथ अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आप जो है आउट गोइंग SMS नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था कि 49 प्लस 10 रुपया का रिचार्ज करने पर SMS सेंड हो जाता है या फिर 45 प्लस 10 रुपया के रिचार्ज करने पर SMS सेंड हो जाता है, तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एयरटेल की बात जो है वोडाफोन और आइडिया ने भी यह नियम लगाया, जहां पर इन्होंने बताया कि 95 वाला, 49 वाला, 79 वाला, 65 वाला और 59 वाला ये सभी प्लान पर आपको आउटगोइंग SMS नहीं मिलेंगे। तो भाई इन्होंने क्या किया कि यहां पर प्लान के ऊपर लिख दिया, जो कि आप देख सकते हैं नो आउटगोइंग SMS, और यहाँ पर पैक डिटेल पर भी क्लिक करोगे तो पैक डिटेल में बताई गई है SMS के बारे में। यहाँ पर खुलकर वोडाफोन और आइडिया ने बता रखा है अपने ग्राहकों को कि आप जो है आउटगोइंग SMS इस प्लान के साथ नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर एयरटेल को समझिए, एयरटेल की तरफ से क्या कुछ ग्राहकों को बताई गई है वो आप यहां पर समझिए। ये है 49 रुपया का प्लान, 38 रुपया 52 पैसा का टॉक टाइम, 100 MB का डेटा, 28 दिन की वैधता। अब यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज टाइप में स्मार्ट रिचार्ज और यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है वो बताया गया है, लेकिन यहाँ पर SMS के बारे में नहीं बताया गया है कि आप जो है आउटगोइंग SMS कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 49 रुपया के रिचार्ज अगर आप करते हैं तो आउटगोइंग SMS नहीं कर पाओगे, 79 रुपया का रिचार्ज करोगे तो आउटगोइंग SMS नहीं कर पाओगे। अदर डिटेल की ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि आउटगोइंग SMS आप नहीं कर सकते हैं, जबकि वोडाफोन और आइडिया ने यहां पर चीख चीख कर अपने ग्राहकों को बता रखा है कि इसके साथ अगर आप रिचार्ज करते हैं तो टॉक टाइम मिलेगा, डेटा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को आउटगोइंग SMS नहीं मिलेगा। लेकिन एयरटेल ने ऐसा कुछ नहीं किया है वो आप देख सकते हैं, 79 वाला पर भी क्लिक करके दिखाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेंशन नहीं किया गया है कि आप आउटगोइंग SMS नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर 128 का प्लान है, जिसमें आप आउटगोइंग SMS तो कर पाओगे लेकिन लोकल के लिए 1 रुपया और STD के लिए 1.5 रुपया चार्ज लगेंगे। यहाँ पर बताई गई है 128 रुपया के रिचार्ज करते हो तो टॉक टाइम आपको नहीं मिलता, लेकिन SMS सेंड करने को मिलता है। 128 प्लस 10 करके आप ऐसे करके रिचार्ज करोगे तो आप यहाँ पर SMS को सेंड कर पाओगे, इसमें डेटा वगैरह भी नहीं मिलता है और 28 दिन की वैधता है। तो एयरटेल की तरफ से बताया गया कि आप अनलिमिटेड प्लान के साथ जाइए, अनलिमिटेड प्लान में आप रिचार्ज करिए तो आपको SMS सेंड करने को मिलेगा। अब ये है एयरटेल का अनलिमिटेड प्लान, जो कि 119 रुपया का भी है। व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि आपको SMS नहीं मिलेगा, 0 SMS बताया गया है, जो कि आप देख लीजिए। तो अगर 49 और 79 रुपया वाला रिचार्ज में लिखा जाता तो क्या दिक्कत। अब हम आपको कुछ प्रूफ दिखा देना चाहेंगे, जहां पर मेरा तो पैसा बर्बाद हो चुका है, आप लोगों का पैसा जो है इस प्रूफ को देखने के बाद बर्बाद होने से बच सकता है, तो आप इस प्रूफ को पहले देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम आपको कुछ प्रूफ दिखाते हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। हमें फोन पे एप्लीकेशन में डिवाइस वेरीफाई करना था और आप लोगों को पता ही होगा कि UPI से आप जो है जिस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट लिंक करते हैं, सबसे पहले ये जरूरी होता है कि सिम कार्ड से SMS सेंड करके अपना डिवाइस वेरीफाई करिए। तो हमें डिवाइस वेरीफिकेशन करना था UPI लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है सिम कार्ड पर देख सकते हैं आउटगोइंग की वैलिडिटी दिया गया था 6 जुलाई 2021 तक, जो कि एक्सपायर हो गए। उसके बाद यहाँ पर इनकमिंग वैलिडिटी 13 जुलाई 2021 तक था और बैलेंस 00 था। तो हमने सोचा कि बैलेंस ना रहने की वजह से इसमें सेंड नहीं हो रहा होगा या फिर जो है आउटगोइंग वैलिडिटी समाप्त हो चुका है, इसके लिए यहाँ पर इसमें से सेंड नहीं होता है। तो हम एक बार फिर से ट्राई करके देख लिए थे रिचार्ज करके 10 रुपया का। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बताया गया था कि आपका SMS सेंड नहीं हो रहा है,
आप जो है SMS पैक देखिए, नहीं तो फ़ोन की बैलेंस देखिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया वो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 10 रुपया का रिचार्ज करा जिसमें 7 रुपया 47 पैसे हमें दिए गए। तो 7 रुपया 47 पैसे जब दिया गया, उसके बाद हम यहाँ पर जो है 49 रुपया का रिचार्ज किए थे। जब यहाँ पर SMS सेंड नहीं हुआ था तो हम 49 रुपया का रिचार्ज किए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि 49 रुपया के रिचार्ज और 10 रुपया के रिचार्ज करने पर मेन बैलेंस में 10 रुपया वाला आ जाता है 7 रुपया 47 पैसे और आपका SMS सेंड हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से कुछ लोग कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो 49 रुपया का रिचार्ज करके देखते हैं। अब देखिए 49 रुपया के रिचार्ज हमने जब किया तो एक तो SMS भेजा गया कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया 49 का, और एक और SMS भेजा गया जिसमें बेनिफिट के बारे में बताया गया। आपको 38 रुपया 52 पैसे मिले हैं 28 दिन की वैधता के साथ। आपको यहाँ पर 2.5 पैसे प्रति सेकेंड करके लोकल और STD कॉल लगेंगे और 100 MB आपको डेटा मिला। इसके साथ ही आप यहां पर देखिए कि एयरटेल महाराज ने लिख रखा है कि नो आउट गोइंग SMS, यानी कि आपको जो है इस पैक के साथ आउट गोइंग SMS नहीं मिलेगा। अरे महाराज, जब यही बात आप जो है वहां पर प्लान में लिख दिए होते तो 49 रुपया का हम रिचार्ज ही नहीं करते, ठीक है। ऐसे भी हमें जानकारी है कि 49 रुपया के रिचार्ज करने पर SMS सेंड नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था एयरटेल की तरफ से। तो हमने सोचा कि चलो एक बार रिचार्ज करके देख लेते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि 49+10 चार्ज करने पर SMS सेंड हो जाता है, तो उसे भी वेरीफाई करना था, क्योंकि आप लोगों का कमेंट काफी ज्यादा आ रहा था कि 49+10 से होता है या फिर नहीं होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आउटगोइंग SMS जो है यहां पर महाराज ने लिख दिया कि आपको नहीं मिलेगा इस प्लान के साथ, यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर उसके बाद हम 10 रुपया को तो रिचार्ज कर चुके थे, तो 49+10 हो गया। तो यहां पर हम SMS सेंड करके देखे तो फिर से यहां पर SMS सेंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि 49 रुपया के साथ आप रिचार्ज करते हो, उसके बाद 10 का कराओ, 20 का कराओ, जितना का भी आप करवाते हो, जैसे यहां पर टॉप अप बैलेंस से, तो आपको यहां पर जो है SMS सेंड करने को नहीं मिलेगा। आपको अनलिमिटेड प्लान के साथ जाना पड़ेगा, जो कि सबसे कम अनलिमिटेड प्लान आप चुन लीजिए 129 का, उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर ऑफर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 129 का रिचार्ज करिए और उसके बाद ही आप SMS को सेंड कर पाएंगे और पोर्टिंग कोड निकाल पाएंगे, या फिर आप जो है अपना नंबर को वेरीफाई कर पाएंगे। UPI लिंक जब करने जाओगे उस समय डिवाइस वेरीफाई कर पाओगे, क्योंकि 49+10 रुपये का रिचार्ज करके हम यहाँ पर पोर्टिंग कोड निकालने का भी कोशिश किए, जो कि आप देख सकते हैं पोर्ट लिखकर उसके बाद अपना नंबर लिखकर 1900 पर हमने सेंड किया। सेंड करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है SMS सेंड फेल हो चुका है, यानी कि SMS सेंड नहीं हुआ। उसके बाद रिचार्ज करने के बाद वैलिडिटी बढ़ाया गया, आउटगोइंग की वैलिडिटी 5 अगस्त 2021 किया गया और इनकमिंग की वैलिडिटी 12 अगस्त 2021 किया गया। और आप यहां पर देख सकते हैं जो मेन बैलेंस है उसमें 7 रुपया 47 पैसे है और यहां पर टॉक टाइम 1 करके लिखा गया है जिसमें 38 रुपया 52 पैसे है, यानी कि टॉक टाइम वाला जो बैलेंस है आप देख लीजिए 38 रुपया 52 पैसे है, जो कि 49 रुपया के रिचार्ज करने पर मिला, और यहां पर 10 रुपया के रिचार्ज करने पर मेन बैलेंस में 7 रुपया 47 पैसा मिला, फिर यहां पर SMS सेंड नहीं हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि 45+10 रुपया से रिचार्ज करिए, कुछ लोग कहते हैं 49+10 रुपया से रिचार्ज करिए तो हो जाएगा। अब इसका फंडा क्या है वो आप समझिए। बहुत सारे एयरटेल का सिम कार्ड है जहां पर 45+10 का रिचार्ज करोगे या 49+10 का रिचार्ज करोगे तो SMS सेंड होना स्टार्ट हो जाता है और SMS सेंड करके आप जो है पोर्टिंग कोड निकाल पाओगे। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि जिनका नया सिम कार्ड होगा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा उनके सिम कार्ड पर ये काम करता है, हर एक के काम नहीं करते हैं, इसलिए आप इन सभी चक्करों में ना पड़िएगा, नहीं तो 49+10 आपका बर्बाद चला जाएगा और फिर अनलिमिटेड पैक के साथ आपको रिचार्ज करना पड़ेगा SMS सेंड करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने आपको डिटेल के साथ अच्छे से समझाकर बता दिया है। तो यहाँ पर एयरटेल का सर्विस अच्छा लगे न लगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताए हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना पैसा को बचा सके। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जरूरतमंद वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलते रहेंगे और आपका पैसा इसी प्रकार से बचते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।